हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वाई व्लॉग्स। तो आज मैं एक अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ एक मोबाइल होल्डर के लिए, जो कि मैंने अपने मंगाया अपनी स्कूटी के लिए। तो मैंने बाइक के लिए जो पहले मंगाया था वो था दूसरे कंपनी का। तो अभी मैंने बोबो गियर की तरफ से एक जो पर मोबाइल होल्डर आता है वो मैंने मंगाया है। तो ये विदाउट चार्जर वाला मैंने मोबाइल होल्डर मंगाया है। तो आज हम इसको अनबॉक्स करेंगे और इसका मैं इंस्टॉलेशन वीडियो आपको दिखाता हूँ, और फिर बाद उसके बाद हम उसका परफॉर्मेंस देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है हमारा प्रोडक्ट बोबो गियर, आप देख सकते हो नाम बोबो की तरफ से है। ये जो एक मोबाइल होल्डर है, जो कि इसका MRP आप देखोगे 2199 है, बट मैंने इसको ऑफलाइन मार्केट से मंगाया है 1100 रुपीज़ में। इसमें कंटेंट क्या क्या है, एक तो मेन जिसमें मोबाइल होल्डर होता है, ये आपके स्कूटी के लिए यूज़ होता है, ये आपके इस पर माउंट हो जाता है या फिर आप डायरेक्टली बाइक के हैंडल बार पर लगा सकते हो। इसको इसके अंदर एज़ पर योर मोबाइल, अपना जो बाइक का हैंडल होता है उसके साइज़ के हिसाब से आप जो भी चाहिए फिट कर सकते हो। और ये एलन की मिलता है इसमें, और ये सपोर्ट करता है 4 to 6.5 स्क्रीन इंच फ़ोन। इसका 1 ईयर की वारंटी मिलती है। तो चलिए अभी इसको हम ओपन करते हैं। तो देख सकते हो इसके अंदर हमें क्या क्या मिलता है। तो जो ऊपर है ये मेन मोबाइल होल्डर है, और कुछ ऐसे कुछ मिलता है। तो ये जो है ये आपकी स्कूटर में यूज़ होता है, स्कूटी एक्टिवा वगैरह इसमें यूज़ होता है, अदरवाइज बाइक में यूज़ नहीं कर सकते। वह बाइक में भी यूज़ कर सकते हैं, अगर आपको अपने मेन हैंडल पे नहीं लगा के आपको मिरर में लगाना है तो ये मिरर में यूज़ होता है, जो आपको मैं दिखाता हूँ कैसे यूज़ करते हैं इसको। और उसके साथ में हमें ये मिलता है जो कि हम अपने हैंडल बार पर लगाते हैं। तो ये कुछ स्पेसर मिलता है जो हम अपने इस पर हैंडल बार पे फिटिंग करने के लिए लगाते हैं। ये है जिस पे ये मेन मोबाइल होल्डर लगेगा। ये ग्रिप है, रबर का ग्रिप दिया है, और ये एलन की इसको टाइट करने के लिए। और ये जो मेन यूनिट है तो ये कुछ ऐसा मोबाइल होल्डर है, फ़ोन होल्डर आप देख सकते हो। बोबो की ब्रांडिंग है यहाँ पे। ये लेफ़्ट साइड में 60 mm, राइट साइड में 90 mm ओपन होता है, और इसको हम ऐसे यहाँ से इसको स्क्रू क्लिक कर इसको घुमा के हम इसको ओपन कर सकते हो। देख सकते हो जैसे हम इसको घुमा रहे हैं ये बड़ा हो रहा है। इसको टाइट करेंगे तो फिट हो जाएगा। और पीछे ये सर्कल जैसे घुमाने के लिए दिया टाइट करने के लिए। तो ये सारे आपको अंदर कंटेंट मिलते हैं। तो चलिए अभी मैं इसको फिटिंग करके दिखाता हूँ। ये जो हमारा मोबाइल होल्डर है इसको हम अपने राइट मिरर में लगाएंगे। तो उसके लिए पहले आपको ये मिरर का ये स्क्रू है, बोल्ट है, आपको लूज़ करना पड़ेगा। तो इसके लिए अभी हम इसका यूज़ करेंगे। तो देख सकते हैं अभी हमने इसको लूज़ कर दिया, और इसको अभी हम राइट से घुमा के लूज़ कर देते हैं। तो पहले हम इसको यहाँ पे फिक्स करेंगे, उसके बाद हम इसको अपना वापस जैसे निकाले थे वैसे ही एंटी क्लॉक वाइज इसको घुमा के फिट कर देंगे। तो अभी हम इसको देखते हैं कि हमारा ये जो मोबाइल है इसको किस अकॉर्डिंग हमको लगाना है। तो पहले इसको हम फिट करके देखते हैं यहाँ पे। तो स्क्रू को अभी हम बोल्ट को यहाँ पे टाइट कर देते हैं फिलहाल, इसको हम बाद में टाइट करेंगे। तो देख सकते हो अगर अभी हम यहाँ पे मोबाइल को अगर फिट करते हैं तो ये ऐसा कुछ लुक आता है, सामने से देख सकते हो। थोड़ा पीछे हम जाके देखते हैं तो ये कुछ ऐसा डैशबोर्ड लगेगा हमारा, यहाँ पे मोबाइल आएगा तो जो कि हमें सामने करेक्ट दिखेगा। हम चाहिए तो इसको ऐसे घुमा के भी रख के देख सकते हैं, ऐसे भी देख सकते हैं। तो इसको फ़िलहाल मैं अभी टाइट कर देता हूँ पहले, फिर उसके बाद दिखाता हूँ आपको इसको मैं। तो ये इसके पहले पीछे हम पहले ये इसको फिक्स करेंगे इसको लगा के, फिर इसके बाद ये जो यहाँ पे दिख रहा है इसके अंदर हम ये बॉल को लगाएंगे ऐसे टाइट करेंगे। उसके बाद पीछे आप देख सकते हो ये स्क्रू से हमको इसको टाइट करना है ऐसे टाइट कर दोगे तो ये फिट हो जाएगा। फिलहाल मैंने लूज रखा हूँ, तो आप आगे से देख सकते हो इसको हम ऐसे लेफ्ट भी घुमा सकते हैं, राइट भी घुमा सकते हैं, जैसा आपको चाहिए आप वैसे अपने मोबाइल के हिसाब से लगा सकते हो।
तो फिलहाल मैं आपको अभी मोबाइल लगा के दिखाता हूँ। तो ऐसा कुछ व्यू आ रहा है, ये मैंने हॉरिजॉन्टल लगाया इसको मैंने, ताकि मैं आप देख सकूँ। ये दिख रहा है डिजिटल स्क्रीन, ये दिख रहा है एनालॉग स्क्रीन। ये स्पोर्ट्स बाइक जैसा लुक आ रहा है ना इसमें, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कैसा लुक दिख रहा है। इसको चाहिए तो हम इसको स्ट्रेट भी कर सकते हैं, उसके लिए पीछे से आपको जो नॉब है उसको लूज़ करना पड़ेगा। तो फिलहाल मैं आपको लूज़ करके दिखाता हूँ, अभी मैंने हल्का लूज़ किया हूँ। तो अब इसको चाहिए तो आप ऐसा भी कर सकते हो, बट ये थोड़ा व्यू आपका क्लियर नहीं आता है मैसेज आए, उसको इग्नोर कर सकते हो। तो इसमें थोड़ा व्यू इतना अच्छे से आता नहीं है, पर ये थोड़ा वियर्ड लुक देता है, जिसे आप देख सकते हो। आपका स्क्रीन, आपका डैशबोर्ड ऐसा दिखता है और एकदम खड़ा दिख रहा है, तो बेटर तो यही व्यू मुझे अच्छा दिख रहा है। आप अपने चॉइस के हिसाब से आप रख सकते हो स्क्रीन। तो अगर आपको चार्जिंग का ऑप्शन चाहिए तो फिलहाल इसमें कोई चार्जिंग नहीं है, और यहाँ पे आप देख सकते हो नीचे इसमें मैंने ये बोट का सॉकेट जैसा है चार्जिंग के लिए, और इसका जो पिन है वो डायरेक्टली अपने मोबाइल पे यहाँ से साइड से लगा सकते हो। तो चार्जिंग हो रहा है, तो इसी तरह आप अपने मोबाइल को भी लगा सकते हो। एट द सेम टाइम ये बोट का सिगरेट चार्जर बोलते हैं, इसके यूज़ से आप फ़ोन चार्ज भी कर सकते हो। तो चलिए अभी हम इसका एक राउंड मार के देखते हैं कि ये कितना फ़ोन स्टेबल रखता है। तभी हम स्टार्ट कर रहे हैं, एक स्पिन लेके आते हैं। ये रिस्क है, बहुत बड़ा रिस्क है मोबाइल लगा के चलाना, तो देखते हैं अभी हम। आज मेरे मोबाइल का आखिरी दिन हो सकता है, देखते हैं। फिर भी हम रिस्क क्लियर है, पता चलेगा मोबाइल होल्डर कितना अच्छा है। तो देखा आगे खड्डा, खड्डे खड्डे में भी है मोबाइल। वैसे तो हिल रहा है क्योंकि गाड़ी हिल रही है, इसके लिए वो भी हिल रहा है, बट आप देख सकते हो मोबाइल को इसने टाइटली पकड़ के रखा है। तो देख सकते हो आगे खड्डा है, खड्डे में लेके जा रहा हूँ मैं, खड्डे में लेके जाके आपको मैं इसका परफॉर्मेंस दिखा रहा हूँ। हिल रहा हूँ, हम खुद हिल रहे, तो सोचो ये कि मोबाइल भी हिलेगा ही। तो हमने अभी शॉर्ट स्पिन लेके आ गए, और अभी इसके बाद अगर आपको चाहिए तो आप अपना मोबाइल निकाल सकते हो। तो आप अपना मोबाइल निकाल के इसके बाद आप चाहिए तो आप इसको अपने मोबाइल होल्डर को आप अभी से ऐसे ही गाड़ी पे रख सकते हो। यदि आपको चाहिए तो आप इसको निकाल भी सकते हो। तो अभी फ़िलहाल इसको मैंने फ़ोन होल्डर को इसको मैंने टाइट कर दिया, उसके बाद पीछे से आपको इसको बस लूज़ करना है। क्लोज़ करने के बाद आपको इसको ऐसे पुल करके निकाल देना है, और ये इसको ऐसे पीछे फिटिंग करके आप इसको अपने घर पे लेके जा सकते हो। और ये जो सेटअप है आप इसके ऊपर गाड़ी में ऐसे ही रख सकते हो, जब भी आपको अगर ऐसे कहीं जाना है बाहर, कहीं दूर जहाँ पे आपको मैप की ज़रूरत है, तभी आप इसको लगा के आप जा सकते हो, अदरवाइज ये आपको इसमें फिटिंग करके रख सकते हो। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा शॉर्ट वीडियो वोवो मोबाइल होल्डर के ऊपर। तभी यदि आपको ये मोबाइल का होल्डर पसंद आया, या यदि मेरा ये वीडियो पसंद आया, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, तो सब्सक्राइब करना।